Happy morning, kids. How are you all? I hope all of you are fit and healthy. तो बच्चों, आज हम हिंदी में अक्षर छ की बनावट को विभिन्न चरणों में सीखेंगे. छ, छ से छतरी. छ, छ से छतरी. अक्षर छ की बनावट के लिए फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम चरण में हमें क्या करना है, हमें एक कर्व बनाना है. ऊपरी रेखा यानी कि टॉप लाइन से शुरू करते हुए दोनों रेखाओं यानी कि टॉप लाइन और डाउन लाइन के बीच तक एक कर्व बनाना है. सेकेंड स्टेप में यानी कि दूसरे चरण में हमें एक और कर्व बनाना है. थर्ड स्टेप में यानी कि तीसरे चरण में हम अपने दूसरे वाले कर्व को डाउन लाइन से टच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अंदर की तरफ घुमाएंगे. हमारे फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, एक छोटी खड़ी रेखा यानी कि एक छोटी स्टैंडिंग लाइन देनी है. पर कहाँ से देनी है, टॉप लाइन से. कहाँ से शुरू करनी है, टॉप लाइन से. अब हमारे पांचवें चरण में यानी कि अंतिम चरण में हमें क्या करना है, शीरो रेखा अपने अक्षर को पूरा करने के लिए टॉप लाइन पर एक रेखा लगाएंगे. इस रेखा को हम क्या कहते हैं, शीरो रेखा. तो बच्चों, अब हम अक्षर छ को एरोस के डायरेक्शन से भी सीखेंगे. एरोस के डायरेक्शन से भी सीखेंगे तो आप सभी अपने नोटबुक और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ आप सभी लिखेंगे. तो फर्स्ट डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि हमें टॉप लाइन से शुरू करते हुए एक कर्व बनाना है. तो आप सभी मेरे साथ एक कर्व बनाएंगे टॉप लाइन से शुरू करते हुए. ये हमारा फर्स्ट कर्व तैयार है. सेकंड डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि हमें नीचे की तरफ डाउन लाइन से टच करते हुए एक और कर्व बनाना है. तो आप सभी मेरे साथ एक और कर्व बनाएंगे. यस. अब थर्ड डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि हम अपने सेकंड वाले कर्व को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अंदर की तरफ घुमाएंगे. तो आप सभी सेकंड कर्व को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अंदर की तरफ घुमाएंगे. अब फोर्थ स्टेप यानी कि चौथे चरण में हमें एक खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन बनानी है टॉप लाइन से शुरू करते हुए. तो आप सभी मेरे साथ एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. यस. अब अक्षर छ को पूरा करने के लिए सबसे लास्ट यानी कि पांचवें चरण में हमें क्या करना है, शीरो रेखा लगानी है. तो आप सभी मेरे साथ शीरो रेखा लगाएंगे. यस. तो इस तरह शीरो रेखा लगाते हुए हमारा अक्षर छ